शासन के द्वारा लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू के बाद बंद चल रहे शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र चिड़ियाघर को 40 दिनों के बाद शासन के निर्देश पर खोला गया है। इस दौरान नागरिकों ने मास्क व सोशल डिस्टेंस के साथ टिकट लेकर प्राणी उद्यान केंद्र में प्रवेश किया तथा अजगर, चीता, रॉयल बंगाल टाइगर, दरियाई घोड़ा, सियार, हिरन, भालू सहित अन्य जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर उनको देखा और जमकर लुत्फ उठाया तथा बाड़े के बाहर से जानवरों के साथ सेल्फी ली। चिड़ियाघर में घूमने आए नागरिकों ने कहा, 40 दिनों के बाद प्राणी उद्यान में घूमकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, इस प्राणी उद्यान में लखनऊ प्राणी उद्यान की तरह सारे जानवर हैं। सभी लोगों को एक बार जरूर प्राणी उद्यान आकर देखना चाहिए। प्राणी उद्यान केंद्र के निदेशक डॉक्टर एच राजा मोहन ने बताया कि 40 दिनों के बाद कोरोना कर्फ्यू को खत्म होने के बाद चिड़ियाघर को जनता के लिए खोला गया। चिड़ियाघर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगा, लेकिन घूमने के लिए शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहेगा, लेकिन शासन के द्वारा लगाया गया साप्ताहिक बंदी को देखते हुए शनिवार और रविवार को बंदी रहेगा और सोमवार को खुला रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चिड़ियाघर घूमने आए पवन कुमार, सूरज चौधरी, अजीत कुमार, गिरजा दुबे, निभा दुबे एवं प्राणी उद्यान केंद्र के निदेशक डॉक्टर एच राजा मोहन ने कहा। अरे लुक एट देयर बेबी, हम तरफ
पवन कुमार, कोरोना के बाद तो आप सरकार ने बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ पे घूमे? शेर देखे हैं, बब्बर शेर, चीता देखे हैं, घड़ियाल देखे हैं और सांप। कैसा लगा? अच्छा लगा, एकदम लखनऊ की तर्ज पर। क्या कहना चाहेंगे लोग जो अभी तक घूम नहीं पाए यहाँ पे? यही कि आके जरूर एक बार देखें गोरखपुर का चिड़ियाघर। माय नेम इज सूरज चौधरी सर। आज लॉकडाउन के बाद इतने दिनों बाद ये चिड़ियाघर खुला, क्या क्या आप देखें? रॉयल बंगाल टाइगर देखा मैंने, लियोपर्ड देखा, दरियाई घोड़ा देखा, स्पॉटेड डियर देखा, देसी कुछ सरपेंट आए हैं यहाँ, कुछ देसी मंकीज हैं। अजीत कुमार, चीता देखे हैं, बाघ देखे हैं, भालू देखे हैं हम लोग। कैसा लगा आपको देखो? अभी कुछ मजा नहीं है, गिर जा दो गए। लॉकडाउन के बाद इतने बाद चिड़ियाघर खुला, क्या क्या देखे, क्या करना था? शेर देखे हैं, सियार देखे हैं, वो क्या बोलते हैं जानवर भी आए हैं। हाँ अरे सांप, अजगर है, सांप है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। निभा दुबे, चिड़ियाघर में आप घूमने के लिए आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या आपने देखा यहाँ? हमने तेंदुआ देखा है, बाघ देखा है, शेर देखा है, ये सारे जानवर देखे हम। कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा। गोरखपुर प्राणी उद्यान का लगभग 40 दिन के बाद आज खुला गया है। इसमें जैसे पहले से हम लोग खड़ा ऐसे कोविड का प्रोटोकॉल पालन करते हैं, उसी को हम पालन करेंगे और बिना मास्क से अंदर अलाउ नहीं करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और भीड़ ज़्यादा होने के कारण होगा तो फिर उसको भी बीच बीच में रुकवा करके भीड़ को रिलेज करना होगा। हमारा स्टाफ को भी ट्रेनिंग दिया गया है और इसी का लेते हुए अच्छी तरह से इसको संचालन करेंगे। वो टाइमिंग तो वही रहेगा आपका, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक होगा और टिकट शाम को 4 बजे तक बंद हो जाएगा, लेकिन घूमने के लिए 5 बजे तक मिल जाएगा। सप्ताह की बंदी वो सोमवार पर रहेगा, लेकिन अभी वीकेंड लॉकडाउन के देखते हुए उसको ऊपर से बात करके सुरेंद्र ले जाएगा।